नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सरोवर नगरी नैनीताल में विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा पार्टी की जीत के लिए मंदिरों और धार्मिक स्थलों में गुहार लगाने जगह जगह पहुंचे। मुख्यमंत्री की गुहार कुमार नैना देवी, शिवजी और गोलजीव देवता समेत सभी धार्मिक स्थलों के परमात्मा का आशीर्वाद मिल गया। जहां भगवान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गुहार स्वीकार कर ली, वो पार्टी की जीत के लिए मां नंदा देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने शिवलिंग को जल और दूध से स्नान कराया। वहीं उन्होंने घोड़ाखाल गोलजू मंदिर में भी भाजपा पार्टी और अपनी जीत के लिए गुहार लगाई थी। भाजपा पार्टी को तो बहुमत के साथ ले आए पर वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पुनः मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी कर दी है। पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं समेत नैनीताल वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। नैनीताल से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।